नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ITBP के हेड कांस्टेबल की भर्ती के बारे में मैंने बताया था। तो दोस्तों आज अपडेट निकल कर आ रही है कि ITBP हेड कांस्टेबल के साथ साथ ITBP ट्रेड्समैन की भी भर्ती 2020-21 में होने वाली है। तो दोस्तों ये भर्ती क्या है, स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी भर्ती के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ITBP ट्रेड्समैन की यहाँ पर ये भर्ती है और ये 2020 की भर्ती है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होगी। उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी 10th पास होगी। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और महिला और पुरुष, आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी भर्ती के बारे में जानते हैं कुछ डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ITBP भर्ती ट्रेड्समैन मेल फीमेल 10th पास। तो यहाँ पर ITBP की भर्ती दोस्तों निकल चुकी है ट्रेड्समैन की, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही भर्ती होगी। ITBP रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2020-21। यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ITBP भर्ती कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी ITBP सिलेक्शन प्रोसीजर एलिजिबिलिटी, उसके बाद में भर्ती एज आपकी क्या क्या होगी ये मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर ITBP की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म जानना जरूरी है। ITBP की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर ये ट्रेड्समैन की भर्ती है ITBP के लिए, इसमें एक पोस्ट वाइज डिटेल दी हुई है कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं 19 पोस्ट हैं आपके टेलर के लिए, गार्डनर के लिए हैं 38 पोस्ट, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है ये, और कोबलर के लिए हैं 27 पोस्ट, वाटर कैरियर के लिए 95 पोस्ट हैं, सफाई कर्मचारी के लिए 33 पोस्ट हैं, कुक के लिए 35, वॉशरमैन के लिए 25 एंड बारबर के लिए 18 पोस्ट हैं दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी, तो वैकेंसी डिटेल और एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कॉन्स्टेबल टेलर के लिए एंड गार्डनर एंड कोबर के लिए, मतलब दर्जी माली और मोची के लिए यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होगी वो 18 से 23 साल होगी और आपके लिए 10th पास किसी भी स्कूल से होना जरूरी हो। उसके बाद में आप जिस भी ट्रेड में भर्ती के लिए देख रहे हैं आपके लिए 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, मतलब आपके लिए 2 ईयर का 2 साल का वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कोई सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपने दर्जी माली या फिर मोची इसमें से किसी भी ट्रेड में 2 साल तक कहीं ना कहीं काम किया है। वो सर्टिफिकेट दोस्तों कहीं पर भी चल जाएगा, किसी भी प्राइवेट संस्था से भी वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, या 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब या फिर आपके पास में इन ट्रेड्स से संबंधित ITI का 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम कांस्टेबल वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक एंड वॉशरमैन एंड बारबर। तो यहाँ पर वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वॉशरमैन एंड बारबर के लिए यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होगी वो 18 से 25 साल तक होगी और आप 10th क्लास सिंपल पास होंगे तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपके लिए एज पर गवर्नमेंट रूल दी जाएगी। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विस मैन है आप अगर अनरिजर्व या जनरल किसी भी कैटेगरी के तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप एक्स सर्विस मैन OBC के हैं तो आपके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस 6 साल का दिया जाएगा, 5 साल का आपका और 1 साल का एक्स सर्विस मैन का, तो आपको 6 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST से हैं आप तो आपके लिए एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप किसी भी सर्विस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 5 साल का मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए होगी हाइट और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना जरूरी है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन भी होना जरूरी होगा। कैंडिडेट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दोस्त गिवन ब्लो, ये जो कैंडिडेट दिए गए हैं इनको छोड़ के सभी की हाइट दोस्तों होगी 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए होगी 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं दोस्तों हम,
यहाँ पर आपका मेडिकल का दिया हुआ है दोस्तों, आई आपका N6, वर्स आई N9, वेटर आई यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से आकर इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट इस होगा, इसमें दिया हुआ है पूरा पढ़ के। उसके बाद इसमें इम्प्रेसिबिलिटी ऑफ टैटो, मतलब आपके शरीर पर कोई भी, जो हम आजकल के बच्चे होते हैं टैटो लगा लेते हैं, तो आपके शरीर पर कोई भी टैटो नहीं होना चाहिए, वरना आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। यहाँ पर है दोस्तों हाउ टू अप्लाई ITUP रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू वेबसाइट www.recruitment.itbppolice.nic.in। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो आपके लिए सबसे पहले जो ये भर्ती की नोटिफिकेशन है उसको ठीक से केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद में आपको ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, www.recruitment.itbppolice.nic.in पे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट होगा दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो जनरल और OBC से के हैं, 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होगी और बाकी किसी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी। सेलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों आपका इस तरह से होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग 1600 मीटर है, तो इसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। मेल फीमेल सभी के लिए दिया हुआ है, और ये लॉन्ग जंप हाई जंप सभी इसके बारे में बताया गया है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, जो कि 7 मिनट 3 सेकंड, मतलब 7.3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में 800 800 मीटर रेस होगी आपकी, टू बी कम्प्लीटेड विद इन 4 मिनट 45 सेकंड, मतलब 4 मिनट 45 सेकंड से फीमेल हैं अगर आप, तो आपको ये 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा आपका, ये जो एक्स सर्विस मैन उनके लिए, एक्स सर्विस मैन फीमेल हैं उनके लिए कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा। लॉन्ग जंप होगी दोस्तों आपकी, 11 फिट की 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल के लिए 9 फिट के लॉन्ग जंप होगी, उनको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फिट की होगी 3 चांस में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 फिट होगी, 3 चांस मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी भर्ती के बारे में कुछ डिटेल। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा आपका ITBP भर्ती के लिए 50 मार्क्स का, और इस तरह से आपका ये इस भर्ती के एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में OMR बेस पे आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा किस तरह से आपका रिटन एग्जाम में आपका जो वो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे आपको, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, सब्जेक्ट होंगे दोस्तों आपके जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब मैथ आएगा आपका 10 नंबर का, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद में आपका होगा ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, 15 नंबर के होंगे। उसके बाद में आपका है टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी का आपको बेसिक नॉलेज का टेस्ट होगा 10 नंबर का। तो ये आपका होगा दोस्तों सिलेबस। तो मैंने इस भर्ती में आपके लिए सिलेबस, क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड और किस तरह से इस भर्ती में आपको अप्लाई करना है पूरी जानकारी आपको दे दी है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।